नमस्कार। आज अब हम ऑगमेंटेड लीड्स पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि विल्सन सेंट्रल टर्मिनस से यूनिपोलर लिम्ब लीड्स का निर्माण हुआ, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये थी कि एक ही जिस लिम्ब से हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड साथ में होने की वजह से उनके पोटेंशियल आपस में कैंसिल होके एम्पलीट्यूड जो है, वोल्टेज जो है, वो कम हो रहा था। तो कुछ सालों के बाद विल्सन के बाद गोल्ड बर्गर एंड उनके एसोसिएट्स ने सोचा कि इस वोल्टेज को ऑगमेंट कैसे किया जाए। तो इन जब ऑगमेंट किया तो इन लीड्स को ऑगमेंटेड वेक्टर लीड बोला गया, और इसी तरह से AVR, AVL और AVF केम इनटू प्ले। तो अब हम सबसे पहले AVR का निर्माण देखते हैं। तो हमको ये पता है कि अब हमें राइट आर्म पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो वो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होगा। तो गोल्डबर्गर ने सोचा कि हम जो लेफ्ट आर्म है उसमें हम हाई रेजिस्टेंस तार जोड़ेंगे 5000 ओम का, लेफ्ट लेग में भी हाई रेजिस्टेंस तार जोड़ेंगे 5000 ओम का, और जो राइट आर्म में जो 5000 ओम का तार जोड़ा था उसको राइट आर्म से डिसकनेक्ट कर देंगे। तो जब हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे तो अब राइट आर्म पे केवल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रह गया जो कि गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है, और जो बचे हुए दो लिम्ब्स है वो हाई रेजिस्टेंस तार के थ्रू नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल नियर जीरो हो गया। और जो राइट लिम्ब है ये तो वैसे भी आपको पता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड रहेगा लेकिन ये अर्थ में जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट लिम्ब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से केवल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुआ राइट आर्म पे तो ये AVR बना। सिमिलरली लेफ्ट आर्म आप देखिए, लेफ्ट आर्म से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया और ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया, और जो दूसरे लिम्ब्स थे लेफ्ट फुट और राइट आर्म इनके सेम रेजिस्टेंस के तारों से इनको कॉमन टर्मिनल के थ्रू नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया। चूंकि इनके अंदर इतना हाई रेजिस्टेंस था तो ये नेगेटिव की जगह नियर जीरो पोटेंशियल बन गया। तो इस तरह से ये यूनिपोलर लीड हुई AVL जिसका पॉजिटिव पोल लेफ्ट आर्म के ऊपर है। अब लेफ्ट फुट की तरफ देखिए, दैट इज ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। अब लेफ्ट फुट से पॉजिटिव पोल लिया और उसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पोल पे, और बची हुई आर्म से हाई रेजिस्टेंस तार के थ्रू सेंट्रल कॉम्बिनल टर्मिनस के थ्रू नेगेटिव पोल पे कनेक्ट किया, तो ये नियर जीरो पोटेंशियल बन गया। इस तरह से अगेन एक ही इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और वो फुट पे है, इसलिए ये ऑगमेंटेड वेक्टर फुट बना। इस तरह से ऑगमेंटेड लीड्स का निर्माण हुआ, और ये आइंथोवन ट्रायंगल से ही इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि ये आइंथोवन ट्रायंगल है, ये हमको पता है कि ये जो 30 डिग्री पे ये सब आए हैं, ये AVR हो गया, ये AVL हो गया और ये AVF हो गया, ये AVF 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से। तो ये आपस में जो लीड 1 और 2 और जो 3 थी ये 60 डिग्री पे थी, और इनके बिटवीन 30 डिग्री पे हमें जो स्पेस मिल गई उसमें हमने ऑगमेंटेड लीड्स डाल दी, तो ये हेक्सएक्सियल सिस्टम बनाएंगे, मतलब 6 एक्सिस वाले। पहले हमने ट्राई एक्सियल पढ़ा था, फिर हेक्सएक्सियल आएगा, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि जो चेस्ट लीड्स है उसको हम ऑगमेंटेड चेस्ट लीड्स क्यों नहीं करते, क्योंकि चेस्ट लीड्स डायरेक्टली हार्ट के ऊपर प्लेस्ड है तो वो वैसे ही उनका वोल्टेज काफी हाई होता है, तो उनको हमें ऑगमेंट करने की जरूरत नहीं। और आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए और ज्ञान को बांटते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद एंड जय हिंद।